आज हम देखने वाले कोरियन चॉकलेट बॉम्ब्स कैसे बनाए जाते हैं, वो भी कोरिया में। तो यहाँ पे काफी सारे एग्स आ चुके हैं जिनको उन्होंने फोड़ के काफी सारा एग योक निकाल दिया। एंड नाउ अभी इसको एक मशीन में डाल दिया, तो अभी ये मशीन के अंदर ये सारे एकदम मिक्स करेंगे उसको, एंड उससे बनेगा हमारा मिक्सचर। और ये शुगर आ गई बहुत सारी, उसके ऊपर कोई सिरप डाल दिया और उस शुगर को और सिरप को उस अंडों के बीच में मिक्स कर दिया। अभी ये दोनों को मिक्स करेंगे और उससे आई थिंक हमारा यू नो एक पेस्ट बनेगा, बेसिक केक। मुझे तो पता नहीं केक को कैसे बना दें, बट ये मशीन बहुत सैटिस्फाइंग लग रही है एकदम, पूरा उसको घोल के। ओह कितना फ्लफी बन गया ये केक भाई, अभी खाने का मन कर रहा है। बट अभी तक ये गाइस पूरा केक हुआ नहीं है, जब पूरा बन जाएगा ना बहुत बढ़िया होगा। जैसे कि आपने कभी केक खाया है, अगर खाया हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताओ। ये आपका मिक्सचर तैयार है और अभी आई थिंक इसी से हमारे सारे केक्स बनने वाले हैं। भाई ये कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है दिखने में, सीरियसली मुँह में पानी आ गया देख के। एंड अभी ये क्या मैदा है, या फ्लोर, ऑब्वियसली ये फ्लोर लिया और अभी इससे इसके बेकिंग सोडा डाली इसके अंदर। ओके एंड ना अभी इसका भी एक पेस्ट बनेगा और उस पेस्ट को भी आई थिंक ये उस मिक्सर के अंदर डाल देंगे। और इसके लिए भी मशीन होती है। ओह हमारे तो यार भाई हाथ से ही करते हैं, देखो उसको पूरा ऐसा हिला दिया और ये पूरा एकदम साफ हो गया, वेरी नाइस। और ये आपका फ्लोर एकदम तैयार है और अब आई थिंक इसको उसके अंदर मिक्स कर देंगे। और ये कोको पाउडर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कोको पाउडर आ चुकी है। अभी कोको पाउडर को उसके अंदर एकदम पूरा ऐसा मतलब जाली से पूरा निचोड़ लिया है एकदम साफ करके। भाई कितना प्यारा है, और आई थिंक इसी के शेप का वो केक बनेगा। नहीं अभी भी एक बार उसको साफ करें आई थिंक। ओके इसको भी आई थिंक वो फ्लोर को और कोको पाउडर को एकदम पूरा ऐसे मिक्स कर दिया और उसको फिर से एक बार ऐसे यू नो जाली से ऐसे छान लिया पूरा एकदम स्मूथ। वाओ ओके, और आई थिंक अभी इसी से केक बनेगा वो, बट ये थोड़ा सा ही बना है। अभी फ्लोर, बेकिंग सोडा और कोको पाउडर इनका मिक्सचर उस चीज़ के अंदर डाल दिया अंडों के अंदर। और ये अभी ये क्या चीज़ है, क्या आई थिंक चीज़ डालेंगे क्या उसके अंदर, तो ये चीज़ नहीं, मार्गरीन क्या होता है पता नहीं, नहीं आई थिंक ये चीज़ ही है, या मतलब चीज़ का नाम है आई थिंक ये कोई। और उसके अंदर थोड़ा सा मिल्क डाल दिया तो ये चीज़ी केक भी होगा। भाई कितनी सारी प्रोसेस होती है, और आई थिंक अभी इसको भी मिक्स करेंगे, वो गर्म करेंगे। ओके तो आई थिंक इसका भी यू नो पूरा ऐसा पेस्ट बन जाएगा एक अलग सा, और अभी इसको वो केक अंडे वाले पेस्ट के अंदर मिला देंगे। अरे भाई कितना बड़ा प्रोसेस होता ही है, तभी जाके इतना प्यारा फ्लफी केक बनेगा। पूरा मिक्सचर तैयार है, अंडे का, फ्लेवर का, आपका चीज़, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर, सब कुछ। एंड अभी केक उसका शेप लेने के लिए जा रहा है, लेट्स गो। एग्जैक्टली सेम अमाउंट में आई थिंक ये डाल रहे हैं उसके अंदर। भाई एकदम परफेक्टली डालना पड़ता होगा ना, आई मीन इधर उधर अगर चला गया तो यू नो, बट ये बाद में उसको कट कर देंगे, इतना भी नहीं होता। और आई थिंक इसके बाद ये उसको फ्रीज करेंगे, या ऑब्वियसली फ्रीज ही करना पड़ेगा, या नहीं बेक करेंगे आई थिंक, फ्रीज नहीं, सबसे पहले बेक करेंगे, बाद में आई थिंक फ्रीज होता होगा। तो अभी या उसने सारे वो जो बर्तन थे उसको फिलअप कर दिया, बस अभी तीन ही बचे और इसके बाद अभी इनको बेक करने के लिए हम ले जाएंगे। भाई दिखने में यार बहुत डिलीशियस लग रहा है, सीरियसली खाने का मन कर रहा है। किसको किसको खाने का मन कर रहा है मुझे कॉमेंट्स में बताओ। सारे के सारे केक्स फाइनली ओवन के अंदर डाल दिए और अभी पता नहीं कितने देर तक उसको बेक करेंगे, आई थिंक बेक हो गए, वो हो गए बेक। अरे भाई फूल के बाहर भी आ गए, अभी देखिए इसने पूरा वैसे शेप लिया नहीं है, उसके ऊपर ना पूरा ऐसा चॉकलेट बॉम्ब बनाना है उसको, उसका प्रोसेस आई थिंक अलग होता होगा। बट फाइनली आपका केक तो बेक होके तैयार है, आई थिंक हम इसको भी खा सकते हैं, बट अभी तक यू नो वो कोरियन बना नहीं है, उसके लिए पूरा इसका चॉकलेट का ऊपर से बॉम्ब ऐसा कुछ बनाएंगे उसके ऊपर ये, बट अभी भी आई थिंक हम इसको खा सकते हैं। भाई सीरियसली बहुत सही लग रहा है ये, अभी ठीक से तो रखो उसको, नहीं सबसे पहले उसका वो पेपर निकाल रहे, बाद में वो ठीक करेंगे उसको। भाई ऐसा लग रहा है, मतलब बुरा लग रहा है मुझे केक के लिए, बट भाई वो केक है वो यू नो सजीव नहीं है, वो उसको खाना ही बाद में। तो सारे के सारे पेपर्स निकाल दिए, अभी ये नॉर्मल केक ही आपका जो कि बेक किया हुआ है। अभी ये लोग केक को किसी चीज़ में भेज रहे हैं, कहाँ पे भेज रहे हो, ओह उसके स्लाइसेस निकाल दिए, आई मीन कट कर दिया उसको, ओके उसके लेयर्स बना दिए। अरे भाई ओके तो अभी केक के लेयर्स बन गए, आई थिंक वो लेयर के बीच में फिर ये क्रीम लगाएंगे, बाकी की चीज़ें होते हैं वो लगाएंगे, एंड जो उसका एक्स्ट्रा सामान आई मीन जो पड़ा है वो एक बैग में कलेक्ट किया है, उसको आई थिंक बाद में ये रिसाइकल करेंगे। ओके तो अभी इसके छोटे छोटे स्लाइसेस बन गए, बहुत छोटे। अरे भाई एक ओके चार लेयर में एक आपका चॉकलेट बॉम्ब केक बनेगा, नाइस। तो अभी सारे के सारे लेयर्स बन के तैयार है। अभी ये क्या है, ये आई थिंक चॉकलेट है, ओह चॉकलेट है ये, आई थिंक अभी चॉकलेट को बना रहे ये लोग, अभी यू नो उस केक को चॉकलेट के अंदर पूरा भिगाएंगे, उसके ऊपर बहुत शुगर डाल दिया,
वो रम डाल दी। व्हाट रम? मतलब वो पीने वाली? हेलो भाई ये कब डालते केक के अंदर पता नहीं, मे भी उससे टेस्ट आ रहा होगा। और ये कोको पाउडर पूरा इन्होंने जाले में छीन के डाल दिया पूरा। और ये मिल्क आई थिंक, ओके मिल्क ही है ना या कोई क्रीम है? मिल्क ही आई थिंक, ये नहीं क्रीम है। ओह ओके, तो अभी पूरा एक अलग सा भी नया मिक्सर बना दिया इन्होंने, उसको मिक्स कर दिया पूरा। और इस यही वाला मिक्सर आई थिंक केक के ऊपर वाले पार्ट पे लगेगा। अभी इसको मिक्स करने में ये जल्द मिक्स नहीं हो रहा, बट हो जाएगा थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा। अभी उन्होंने ये मिक्सर को अच्छे से मिक्स करने के लिए वापस से मशीन के अंदर डाल दिया है, क्योंकि हाथ से ठीक से मिक्स नहीं हुआ है वो। और इससे कुछ वही बहुत बढ़िया वाला क्रीम बन गया आई थिंक, यही उस केक के बीच में लगेगा। हाँ उसके लेयर्स के बीच में। अरे भाई या समझ गया मैं, अभी उसको पूरा ये निकाल के साइड में रख देंगे। और जो भी हमने केक के स्लाइसेस को कट करा था ये उसके बीच में जाएगा, देन उसका ना हाइट थोड़ा सा वो चॉकलेट बॉम्ब केक का बढ़ जाएगा जो कि अपने वीडियो के स्टार्ट में देखा है। हाँ इससे ना वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। सो ये क्रीम बन के तैयार है, अभी ये क्रीम का यूज़ किया जाएगा उसके बीच वाले लिए। हाँ मुझे लगा ही था। अभी इन लोगों ने उस क्रीम के ऊपर आलमंड्स डाल दिए, बादाम काजू वगैरह। नाइस भाई, ये तो भाई और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा केक, मतलब ये डालेंगे मुझे पता नहीं था। और ये क्या है? चॉकलेट क्रंच। वाह बहुत प्यारा लग रहा है देखने में, जो भी है ऐसे बॉल्स टाइप की कुछ, और वो भी लगा दिया है। तो उसके टोटल दो लेयर्स बनेंगे ना। नाइस भाई बहुत सही लग रहा है। और ये क्या है? वो डार्क चॉकलेट पत्तों की तरह लग रहा है। और ओ नाइस, जैसे पान बनाते हैं ना पान के ठेले पे, वैसा ही हो रहा है ये। और या केक के ऊपर एक और लेयर लगा दिया, आई मीन ये पहला लेयर बन गया, अभी इसके ऊपर आई थिंक एक और बनेगा। तो टोटल इसके दो लेयर्स होने वाले हैं और दोनों लेयर पे आई थिंक सेम चीज़ लगेगी। भाई बहुत सही है। और वो देखो वापस से वो क्रीम लगा दिया, अभी इसके ऊपर वो आलमंड्स वगैरह सारी चीज़ें लगेंगी, वो ब्लैक नट्स वगैरह जो भी है। नाइस यार बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है दिखने में ही। एंड अभी या पूरा लेयर तैयार हो गया, तो टोटल आपका चार फ्लोर का केक है। और पता नहीं ये कितना महंगा है, मे भी महंगा ही होगा 400-500 रुपये में या 1000 में भी मिलता हो, पता नहीं भाई कितने का, मेरे को उसका पता नहीं एग्जैक्टली रेट कितना होता है, आप इसे गूगल कर सकते हो। फाइनली सारे केक्स तैयार हो गए, और अभी इनको ये वापस से बेक करेंगे, नहीं बेक नहीं करेंगे इस बार, उनको शेप देंगे। क्रीम लगा के एकदम अभी पूरा ऐसा प्रॉपर बनाएंगे। ओके समझ गया। नाइस एकदम परफेक्ट सर्कल वाला उसको शेप देंगे। वाह बहुत सही लग रहा है। नॉर्मली केक ऐसे ही बनता है, बट ये अलग अलग केक है, मतलब कितनी सारी चीज़ें उसके अंदर डाली है। और ये मैनुअली कर रहे अपने हाथ से, वर्कर्स पे भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है एकदम। एक उसको पूरा प्रॉपर शेप दिया ऐसा डोम जैसा, वेरी नाइस। और अभी इसको आई थिंक फिर चॉकलेट के अंदर भी डुबाएंगे पूरा, और अभी इसको पूरा एकदम वाओ नाइस। देखो कितना ऐसा टकलू लग रहा है, मतलब जो एक्स्ट्रा भी क्रीम लगाए वो लोग इसको निकाल रहे हैं इसकी मदद से। एंड या टकलू केक आपका तैयार है, आई थिंक इसको ये वापस से बेक करेंगे, करना ही पड़ेगा आई थिंक। भाई ऐसा लग रहा है ना किसी का टकला ही है किसी का सर लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है केक। और इसको वापस से लोग वो फ्रीज करेंगे, क्विक फ्रीजिंग, ओके मुझे लगा बेक करेंगे, बट या फ्रीज करेंगे ठीक है। अभी इन्होंने फ्रीज कर दिया, और इसके बाद आई थिंक फिर इसको चॉकलेट का नहाया नहलाएंगे चॉकलेट में पूरा। ये आ गया चॉकलेट, भाई डार्क चॉकलेट लग रहा है ये, कितना बड़ा बाल्टी था उसका, वेरी नाइस। अभी इन्होंने उसके टुकड़े कर दिए एकदम छोटे छोटे, आई थिंक उसका टुकड़े करके उसका एकदम पेस्ट क्रीम बना देंगे एक टाइप का। सारे के सारे केक फ्रीज होके बाहर आ चुके हैं, और वो डार्क चॉकलेट का क्रीम भी तैयार है। एंड अभी ये लोग उसको नहला रहे हैं। अरे भाई साहब ओ माय गॉड बहुत टेस्टी लग रहा है। ओके वो अगर कुछ नीचे भी गिर गया तो उसको वापस से ये लोग यूज़ करेंगे, बट भाई कितना ज़्यादा सही लग रहा है। और आई थिंक उसके अंदर कुछ आलमंड्स भी मिक्स कर दिए हैं, जो कि उसके ऊपर देखो दिखाई भी दे रहा है। एंड ये आपका आई थिंक केक तैयार है, भाई बहुत सही लग रहा है। आई मीन ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है दिखने में, सीरियसली केक खाने का मन कर रहा है अभी। और ये वाला भी केक तैयार हो गया आई थिंक, इसी तरीके से फिर सारे केक्स बनाए जाते हैं। या इसके ऊपर कुछ और भी लगेगा आई थिंक, कुछ और भी लगेगा डेफिनेटली इसको, अभी बस पैक ही करने की देरी है, और क्या लगेगा, आई थिंक सब कुछ तो हो गया। अभी ये लोग केक को थोड़ा सा सजा रहे, थोड़े से ऐसे चम्बू बना दिए उसके ऊपर क्रीम से डिज़ाइन करने के लिए, थोड़ा सा अच्छा सा लुक देने के लिए। ओह वेट, अभी इन्होंने उसके ऊपर थोड़ा सा क्रीम और छिड़क दिया, आई मीन वो कोको पाउडर, भाई बहुत प्यारा लग रहा है। और ये कुछ लगा रहे उसके ऊपर, नाइस यार बहुत सही है।
भाई अलग ही पूरा लुक ही चेंज हो गया उसका, ये इन्होंने एक्स्ट्रा चीज ऐड करी है और या इसी वजह से आई थिंक ये ज्यादा फेमस है। अगर आप में से किसी का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये था आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।